नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ कुछ जनरल मैसेजेस लेके, जो आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं उन्हीं की मैसेज मैं आपको कन्वे करूँगी लवर सर्कल डेट से। और ये मैसेजेस जो होंगे वो जनरल होगी, हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो, सन साइन मून साइन किसी भी साइन से। अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से ही देखें, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। और इसके साथ मैं आपके लिए एक कोई भी आपका किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो आपको ये और नो में चाहिए उस क्वेश्चन को आप मन में रखिए। जब मैं इस कार्ड को रीड करना खत्म करूंगी और अंत में मैं आपका कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर ये और नो में एंजल गाइडेंस से मैं पूछूंगी और आपका जो आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा मैं आपको वो बताऊंगी। आप कोई भी एक क्वेश्चन अपने मन में सोच के रखिए जिसका आंसर आपको यस और नो में चाहिए। देख लेते हैं एक्टिरियस, आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं या फिर आप क्या कहना चाहते हो उनसे। देख लेते हैं एक्टिरियस आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। फ्रेंडशिप, नेचर द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। ये कहना चाहते हैं कि रिश्ते में पहले दोस्ती को लाइए। बहुत ज़्यादा रिश्ते में सीरियस अगर आप ना भी रहे लेकिन अगर दोस्ती रहा तो ये रिश्ता धीरे धीरे परिवर्तन होने लगना शुरू हो जाएगा और आपको ये रिश्ता फिर एक अच्छा रिश्ता लगने लगेगा, जो नाटकीय रूप से आपको लगेगा अरे ये कैसे चेंज हो गया, पहले तो हमारा रिश्ता ऐसा नहीं था। तो पहले रिश्ते में दोस्ती लाइए, दोस्ती ही रिश्ते को चलाने के लिए एक नेचुरल प्रोसेस है जो रिश्ते को सही रखता है। दोस्ती अगर आपके साथ किसी की रही तो रिश्ता सही रहेगा आपका उनके साथ, क्योंकि यही नेचुरल प्रोसेस है। देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं एक्यूरियस। माय बिलावट, ये आपसे आपको उनका प्रियतम प्रियतमा जो भी आप कहो, डियर बिलावट, थ्रो वी मे बी फिजिकली अपार्ट स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड फॉर लव एंड ट्रांजेक्शन वी मस्ट गिव स्पेस टू वन अनदर। ये बोलना चाहते हैं कि हो सकता है आप लोग फिजिकली अपार्ट हो, एक दूसरे से दूर हो, लेकिन स्पिरिचुअली मतलब कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है जो आपको जोड़ के रखा है। इस रिश्ते के लिए उनका कहना है कि हो सकता है कि अभी के लिए इस रिश्ते के लिए यूनिवर्स की जो संदेश है वो है हम अलग रहे लेकिन एक दूसरे के साथ जुड़े रहे। तो इसीलिए हम जुड़े रहे, अलग भी हैं और जुड़े भी हैं लेकिन साथ साथ नहीं रह पा रहे, मतलब सोल हमारा जुड़ा हुआ है। इनडायरेक्टली ये आपको अपना सोल कनेक्शन बता रहा है क्योंकि हमारा सोल जुड़ा हुआ है ऐसा ये कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि एक दूसरे को थोड़ा स्पेस भी देना चाहिए। तो हमेशा किसी के सर पे चढ़ के बैठने से अच्छा कि हम दूर हैं लेकिन दिल से पास है, इस तरीके से आपको सोचना चाहिए। ये आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं। हो सकता है आप भी उनसे यही कहना चाहते हो या फिर ये आपसे ये कहना चाहते हैं, जो भी है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं एक्यूरियस। पैशन, ए मैग्नेटिक एंड सिडक्टिव क्वालिटी सराउंडेड यू एट प्रेजेंट एंजॉयड। ये कहना चाहते हैं कि आपके चारों तरफ आप एक आकर्षण,
एक चुंबकीय आकर्षण को आपको महसूस करना पड़ेगा, और हो रहा है ऐसा आप महसूस करें, इन चीज को एंजॉय करें, क्योंकि यही हमारे रिश्ते का पैशन है। हम कितना भी दूर रहे एक दूसरे से, लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हो कि हमेशा मेरे इर्द गिर्द कोई है जिसके प्रति मैं आकर्षण महसूस कर रहा हूँ, जिसकी प्रति मेरा जो प्यार है वो एक मैग्नेटिक रिलेशनशिप की तरह है, वो मेरे हमेशा आसपास रहते हैं, तो ही आपको वही प्यार महसूस होगा जो प्यार आप उनके साथ रह के फील करते हो। फीलिंग्स की बात है, प्यार तो एक फीलिंग्स है, ये नहीं कि मैंने जाके 10 बार बोल दिया आई लव यू ये वो तो प्यार हो गया, नहीं। आप जितना फील करोगे इन चीजों को उतना ही इसका जो गहराई है वो बढ़ता जाएगा। देख लेते हैं आपसे और क्या कहना चाहते हैं एक्यूरियस। व्हेन इट कम टू मैटर टू द हर्ट, देयर इज नो राइट और रॉन्ग। एवरी चॉइस यू मेक एक्सप्लेन योर सेल्फ एंड अंडरस्टैंडिंग दैट लाइफ इज लव एंड रियल। ये कहना चाहते हैं जब आपकी बात जब किसी को पसंद करने का होता है तो हम क्या करते हैं, दिल से पसंद करते हैं ना उनको कि ये गोरा है ये काला। हाँ, हम फिजिक्स तो देखते हैं, ऐसा नहीं कि एकदम आंख बंद करके पसंद कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ फिजिक्स देख के पसंद नहीं होता है। तो बहुत सारे मेरे जैसे रंग के लोग भी हैं जिनको कोई शादी किया है, इससे भी कोई सांवला हो सकता है, काला हो सकता है, ये उस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि आप कैसे दिखते हो, आप किस रंग के हो। जो आप जिसके साथ जब प्यार में आते हो तो सब कुछ सही हो जाता है, ऑटोमेटिकली ये चीजें सही हो जाता है। व्हेन इट कम्स टू मैटर्स ऑफ हर्ट, जब ये दिल का मामला होता है तो दिल ही लास्ट वर्ड है कि इसके बाद और कोई बात नहीं है। दिल मिल गया आपको, मेरे दिल से मिलाप हो गया, आप मुझे पसंद करने लगे हो, मैं आपसे पसंद करने लगी हूँ, आपको पसंद करने लगी हूँ, यही लास्ट वर्ड है, इसके बाद और कुछ नहीं हो सकता। यही आपसे कहना चाहते हैं कि तब आपको कोई सही गलत अच्छा बुरा लगना नहीं चाहिए कि इसमें ये कमी है इसमें वो कमी है। उसका मतलब जब होता है तो मतलब आप दिल से उन्हें पसंद नहीं करते हो, आप उनकी क्वालिटी की वजह से उनसे उनसे प्यार करते हो, आप उनकी स्टेटस की वजह से उनसे जुड़े हुए हो, आप उनकी फिजिक्स की वजह से जुड़े हुए हो। लेकिन ये आपसे कहना चाहते हैं कि जब आप किसी के साथ दिल मिलाते हो, रिश्ते में आते हो, तब सिर्फ उनका दिल देखिए, ना कि वो कैसे हैं ऐसे हैं वैसे हैं, उस चीज को देखने की जरूरत नहीं है। वो जगजीत सिंह जी का जो वो गाना है, जब किसी के साथ रिश्ता बनता है तो सिर्फ मन देखने के लिए बोला जा रहा है। उन्होंने जो लेजेंड थे हमारे देश के, इतना अच्छे गजल गायक, उन्होंने गीत में कहा था ना कि जब प्यार करे कोई तब देखे केवल मन। तो आपके पर्सन भी उसी चीज को बोलना चाहते हैं कि आपको प्यार में सिर्फ मन को देखना है, बाकी चीज को इग्नोर करो अगर आप प्यार करते हो। तो मैं एक बार फिर से देख लेती हूँ इन्होंने क्या क्या कहा आपसे। फ्रेंडशिप करने के लिए बोल रहे हैं, आपको अपना बिलावेट बोल रहे हैं, पैशन महसूस करने के लिए बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि जब आप किसी के साथ दिल से जुड़ रहे हो तो सिर्फ उनका दिल देखा करे, ना कि उसका रंग स्टेटस ये वो ये सब मत देखिए, उसको देखने की कोई जरूरत ही नहीं है, सिर्फ दिल देखिए और आगे बढ़िए। देख लेते हैं आपका कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर, एक्यूरियस, जो आप यस और नो में जानना चाहते थे। अगर आपने ये वीडियो मिडिल से देखा है तो वीडियो को पॉज करें, कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर जो आपको यस और नो में चाहिए उसको सोचिए और फिर आके वीडियो देखिए कि एंजल आपके लिए कौन सा आंसर दे रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं कि
आपका जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको चाहिए यस और नो में, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या आंसर आ रहा है। देयर समथिंग बेटर, एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं ना यस है ना नो है, जो आप जानना चाहते हो उससे अच्छा कुछ आपको मिल सकता है, सिर्फ आपको अपनी नजरें घुमाने की देर है और आपको उन चीजों को और अलग तरीके से देखने का नजरिया होना चाहिए, क्योंकि इससे भी अच्छा जैसा आप सोच रहे हो वो चीज उससे भी अच्छा है या फिर हो सकता है या फिर आपको मिल सकता है। आप सिर्फ यस और नो में टिके मत रहिए, आप अपनी सोच को बदलिए। आप जैसा सोच रहे हो कि अच्छा ये है ये होगा या नहीं हो, आप सोच को बदलिए, इससे अच्छा आपको मिलने जा रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।